और ब्रेक के बाद अगली खबर है, राज्य में प्रमुख विपक्षी दल झामुमो द्वारा फिलहाल मुद्दा लपकने के प्रयास में देखा जा रहा है। सीएम द्वारा बिना हेलमेट छात्रों को चेतावनी दिए जाने को उन्होंने मुद्दा बनाया है। प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में मंगलवार को सीएम रघुवर दास द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले स्कूटी बच्चों को हिदायत देने के मामले को मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने दुर्गा पूजा में खुद सीएम द्वारा बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम को भी जुर्माना देना चाहिए। करके गाड़ी और पुलिस को बुला के फाइन काटा गया। स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट कभी जाना है, स्टूडेंट पास पैसा कम रहता, कभी जल्दी में उसको ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, तो अपने टाइमिंग के चलते बच्चे निकल जाते हैं घर से। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट को रुकवा कर करके पुलिस बुला कर करके फाइन कटवाया गया, ये शोभनीय नहीं है। और स्कूल के टाइम जो चेक इन चलता है हेलमेट का, उसको भी रोक लगाना चाहिए। स्कूल के टाइम तो बड़ी गाड़ी चलता नहीं है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा में विदाउट हेलमेट पूरे शहर का भ्रमण किए, उनको तो कोई पुलिस वाला चलान नहीं काटा। झारखंड पीपल्स पार्टी ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी करार देते हुए 1 जनवरी से झारखंड छोड़ो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर और संयोजक सूर्य सिंह बेसरा ने बुधवार को प्रेस वार्ता बुलाकर उक्त आशय की घोषणा की। उन्होंने श्री बेसरा को भाजपा नेता द्वारा धमकी और डेमका सोय की गिरफ्तारी का मामला भी उठाते हुए डेमका सोय को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। ये तो किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा रघुवर दास की सरकार में, मेरे ऊपर जान से मारने का धमकी दे रहा है। और कल हम लोग जो है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट पंकज मंडल के साथ सरायकेला जेल जाके डेमका सोय से हम लोग मुलाकात करने गए। डेमका सोय को सरायकेला जेल में बंदी रखा गया। और डेमका सोय क्यों किया गया ना, डेमका सोय जो है ना, पूरे समाज, पूरे झारखंडी समाज 1 जनवरी शहीद दिवस खसवा में मुख्यमंत्री रघुवर दास आए थे, काला झंडा उसको विरोध किया, जूता चप्पल फेंका गया, तो उसके लिए एक आदमी मिला, सारे केस लाद दिया गया डेमका सोय पर। और डेमका सोय नॉन अवेलेबल में सरायकेला जिला में बंद है, यानी जेल में बंदी करके जान से मरने का धमकी देख के झारखंडियों का मुंह बंद करना चाहता है। आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि डेमका सोई को भी बिना शर्त रिहा करो, असुर सिंह बेसरा फायर किया कार्रवाई करो, और झारखंड आंदोलन करी को इंसाफ दो, भाषा पैसा जो है सीएनटी एक्ट को छेड़छाड़ मत करो। और नहीं तो बाद होकर के आदिवासी मूलवासी एक होकर के कहेंगे जो झारखंड विरोधी है, झारखंड छोड़ो। अंतर विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जेएस तारापुर और डीबीएमएस के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। दोनों टीमों ने अपने वर्गों में जीत दर्ज करने के लिए फाइनल में प्रवेश किया। डेफोडिल हाई स्कूल का वार्षिक महोत्सव का आयोजन स्थानीय माइकल जॉन प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। अभी शुरुआत हो रही है और इसके प्रथम। वहीं दूसरी ओर सुनारे स्थित आरएमएस हाई स्कूल का भी एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ। Good night.
Which will go on to sustain life.